शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं जुगल किशोर, आप देख रहे हैं खबर 7 न्यूज चैनल। अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर तहसील के उपजिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नई ईवीएम मशीन प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया गया। इसके लिए वहां के डीएम ने उनकी सराहना भी की। सर, नई ईवीएम मशीन प्रशिक्षण का क्या उचित है? सर देखिए, नई ईवीएम या पुरानी ईवीएम में कोई उसकी जो पारदर्शिता है, उसकी निष्पक्षता, इस पर कोई संदेह ना पहले रहा है ना आज है। नई ईवीएम जो आई है, ये नया मॉडल है और वीवीपैट जो तरह तरह की लोग आशंकाएँ उत्पन्न कर रहे हैं कि आशंकाओं से जो कुछ अब उनका विचार है कि साहब इसमें कोई त्रुटि है, इस बारे में कभी कोई डाउट नहीं रहा है। लेकिन नए मॉडल में एक वीवीपैट और ऐड हुआ है और अब जो है आगामी लोकसभा निर्वाचन में वीवीपैट के साथ इलेक्शन होगा। इसमें मतदाताओं को एक सुविधा ये अतिरिक्त है कि जब वो मतदान करेंगे तो वो स्वयं देख सकेंगे कि वास्तव में किस व्यक्ति को किस निशान पे और किस क्रमांक पे उन्होंने वोट दिया है। वो पर्ची स्क्रीन पे खुद आके देखेंगे कि हाँ वास्तव में ये है, तो उससे इसकी विश्वसनीयता और भी बढ़ेगी। जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं वो भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और ये जो यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है, हमारे SDM साहब ने, ये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी हैं, मतदाता जागरूकता अभियान से इसको जोड़ा है और यहाँ एक मॉडल बूथ बना के वीवीपैट के साथ मशीन रखी और मैं देख रहा हूँ करीब करीब 200-300 लोग तो यहाँ उपलब्ध हैं। करीब 500 लोग बता रहे हैं कि डेली यहाँ आके इस वीवीपैट मशीन पे अपना हाथ चला के इसको देखते हैं, उसको समझते हैं। तो एक तरीके से ये मतदाता जागरूकता अभियान में एक बहुत बड़ा योगदान भी हो रहा है, लोग जानकारी भी उनको हो रही है। और बैडमिंटन का खेल ऐसा कि स्पोर्ट्स के समय लोग उपस्थित भी हैं और अपना प्रचार प्रसार भी इसका हो रहा है, लोगों की जागरूकता भी बढ़ रही है। तो एक अच्छा प्रयास है यहाँ पे। और इसमें बता रहे हैं कि हमारे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, व्यापार मंडल के बंधु हैं और राजनीतिक दल संबद्धता से अलग हट के सभी लोगों ने एक साथ मिल के इस प्रयास को सराहा है। और इसमें अधिकारी, कर्मचारी, राजनेता, युवा, ये सारे लोग एक साथ आके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। ये एक अच्छा प्रयास है और मुझे आशा है कि इसको अधिक से अधिक लोग जागरूकता अभियान से जुड़ेंगे भी और स्पोर्ट्स का भी आनंद।